क्या एक मेल को चार फीमेल के साथ लगाया जा सकता है? लवबर्ड ब्रीडिंग के अंदर एक नर को इस्तेमाल करके चार फीमेल्स के साथ लगाया जा सकता है? जी हाँ, आप ठीक सुन रहे हैं, बिल्कुल लगाया जा सकता है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि कोई बंदा ऐसा करेगा ही क्यों, यानी कि ये काम करने की जरूरत क्या है कि भाई एक मेल को चार फीमेल के साथ लगाओ। भाई जरूरत है, रीजन आपका भाई आपको बताता है, ऐसे थोड़ी वीडियो बनाता है। सो हाई गाइज, यू आर वॉचिंग माई चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एहसन जफर कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लवबर्ड्स फैमिली के बारे में। अब बात यह है कि भाई सवाल पैदा होता है कि किसी एक मेल को चार फीमेल के साथ हम लोग क्यों लगाएं। ऐसा तब होता है जब आप बहुत ज्यादा महंगी म्यूटेशन पे वर्किंग कर रहे होते हैं। भाई कोई बंदा है जिसके पास पैसे कम है, ठीक है, वो पेल फैलू रखना चाह रहा है, या इतने पैसे हैं कि उसमें खाली एक नर मिल गया। देखो महंगी म्यूटेशन में ना नर की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, सारा गेम ही मेल का होता है। अगर आप पेल फैलू लोगे तो क्या फीमेल लोगे? सिंपल फीमेल लोगे? नहीं लोगे। आप हमेशा पेल फैलो का मेल लोगे, और फीमेल जो है वो आप स्प्लिट ढूंढने की कोशिश करोगे कि भाई पेल फैलो की स्प्लिट मिल जाए। अमूमन लोग जो पेयरिंग लगाते हैं उसमें पेल फैलो का जो विजुअल मेल होता है उसको मेल जेंडर में ही खरीदते हैं। अब एक मेल हो और फीमेल आपके पास ना हो, या आपको चार पेल फैलो फीमेल खरीदनी हो, तो कितना बड़ा बजट बन जाएगा, कितने पैसे लग जाएंगे। आपको पता है पेल फैलो की कीमत अच्छी खासी होती है। अब होता यह है कि इसको जुगाड़ में चलाया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जा सके। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह चलाया जाता है। भाई एक पेयर, एक मेल को कम से कम आप तीन फीमेल के साथ भी लगा सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा चार फीमेल के साथ लगा सकते हैं। चार फीमेल के साथ बहुत सूटेबल रहता है, बड़े आराम से लग जाता है। अब तरीकेकार मैं आपको बताता हूं कि लगेगा कैसे। जाहिर सी बात है, एक साथ तो नहीं छोड़ सकते सबको, लगाने का तरीका होता है, इनको अलग अलग छोड़ा जाता है। पहली बात यह कि ये काम, ये हरकत करने से पहले आप पहले फैसला करें कि हु आर यू, आप कौन है। पहले आपके पास ब्रीडिंग सेटअप चलता हुआ होना चाहिए। ये काम करने से पहले आपके पास ब्रीडिंग सेटअप चलता हुआ होना चाहिए कि ऑलरेडी आपका ब्रीडिंग सेटअप चल रहा है, तो वही लोग ये काम कर सकते हैं, नए बंदे के बस की चीज नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, पहली शर्त यह कि आपका ब्रीडिंग सेटअप चलता हुआ होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि आपके पास ठीक ठाक फॉस्टर पेयर होने चाहिए। ठीक ठाक फॉस्टर पेयर, फॉस्टर पेयर कौन से होते हैं? वो सस्ते पेयर जो बच्चे अच्छे पाल रहे होते हैं, तो महंगे तोतों के अंडे बच्चे उसके नीचे रख दिए जाते हैं, तो फॉस्टर पेयर का होना आपके पास बहुत जरूरी है। रोजी कोली जो सिंपल लुटिनो आता है उसको बहुत फेवरेट माना जाता है फॉस्टरिंग के लिए। बहुत अच्छी खुराक, वो बहुत अच्छी भराई करवाता है, बहुत अच्छी खुराक करवाता है अपने बच्चों को, तो इसीलिए उसको नंबर वन पे माना जाता है। अच्छा, अब आपके पास फॉस्टर पेयर भी है, चलता हुआ सेटअप भी है, तो अब आप क्या काम कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर तुमने डन फैलो का एक पीस ले लिया, ठीक है, डन फैलो का पीस ले लिया, चार फीमेल है तुम्हारे पास, फैलो स्प्लिट है, ठीक है, फैलो स्प्लिट हो सकता है हो, या किसी और किस्म की है जो कि डन फैलो के साथ लगाई जा सकती है। अब चार फीमेल है, मेल एक है। अब करना क्या है, आपने चार खानों वाला पिंजरा लेना है जिसके ऊपर एक पूरा पोर्शन हो, फिर नीचे सेकंड हो, उसके नीचे थर्ड हो, उसके नीचे फोर्थ हो, इन चारों में फीमेल डालनी है आपने, इन चारों में फीमेल डालनी है आपने। अब मेल को आपने सबसे ऊपर वाली फीमेल के साथ, सबसे ऊपर वाली फीमेल के साथ छोड़ देना है, कुछ दिन के लिए छोड़ना है और महसूस करना है कि क्या इनकी बॉन्डिंग बन रही है या नहीं बन रही। बॉक्स नहीं लगाने आपने, वैसे ही छोड़ना है, बॉन्डिंग बनाने के लिए छोड़ना है आपने। सीजन से पहले कोशिश करें, सीजन के तकरीबन अराउंड दो महीने पहले छोड़ दें। अब आप देखें कि बॉन्डिंग बन गई है। बॉन्डिंग बनने की निशानी क्या होती है? ये अलाउ करेंगे एक दूसरे को करीब आने देंगे, वरना अमूमन क्या होता है, कोई जब लवबर्ड किसी दूसरे लवबर्ड के करीब जाता है तो वो उसको दूसरा वाला जो है पहला वाला चोंच मार के भगा देता है, भले वो मेल फीमेल क्यों ना हो, क्योंकि वो एक दूसरे से एग्रेसिव होते हैं, बॉन्डिंग नहीं बनी हुई होती। तो जब वो एक दूसरे को अपने करीब अलाउ करें, आने दें, साथ साथ जुड़ के बैठने लग जाएं, तो ये एक निशानी होती है। दूसरी निशानी, जब वो एक दूसरे को खुजली करें, मुंह से जो है वो सहलाएं एक दूसरे को, तो ये दूसरी निशानी होती है। जब मेल अपना खाना उगल के, क्योंकि आपको पता है लवबर्ड में मेल अपना खाना उगल के फीमेल को खिलाता है, जैसे रिंगनेक में होता है ऐसा कि मेल उगल के फीमेल को खिलाता है, बहुत कम पैरेट्स हैं जिनमें ऐसा होता है। और एक इम्पॉसिबल केस था मेरे पास, तो एक कॉकटेल था जो फीमेल को खिलाता था अपनी, हालांकि ये ऐसा होता नहीं है, मेरे पास एक ही पेयर था जो इस तरह करता था। खैर बहरहाल, गेट बैक टू द टॉपिक। अब जब वो मेल उगल के खिलाना शुरू कर दे फीमेल को, तो आप समझ जाएं कि भाई ये बहुत ही बॉन्डेड हो गए हैं, एक दूसरे को खिलाने लग गए हैं। अब आपने क्या करना है, उस मेल को पकड़ना है और दूसरी वाली फीमेल के साथ छोड़ देना है, नीचे वाली सेकंड पोर्शन वाली फीमेल के साथ आपने छोड़ देना है। अब सेकंड के साथ आपने छोड़ दिया, मेरे ख्याल से 5-6 दिन या 8-10 दिन लगेंगे, उसके साथ भी बॉन्ड बन जाएगा, उसके साथ बॉन्ड बन जाए। आप कुछ दिन रखने के बाद जब बॉन्ड बन जाए, उसके बाद उससे पकड़ के नीचे वाली के साथ छोड़ दें। अगर कोई स्टार्टिंग में करना चाह रहा है तो तीन के साथ कर ले तो ज्यादा बेटर रहेगा, उसको थोड़ा आसानी हो जाएगी, चार तो फिर प्रोफेशनल बंदे का काम है। फिर आपने दूसरी वाली के साथ बॉन्ड बनाया, तीसरी वाली के साथ आपने छोड़ दिया उसको, ठीक है गाइस, तीसरी वाली के साथ छोड़ दिया आपने। अब जब तीसरी वाली के साथ उसका बॉन्ड बन जाए, या चौथी वाली के साथ उसका बॉन्ड बन जाए,
अब आपने क्या करना है, दोबारा वापसी जिसके साथ पहली बार बॉन्ड बना था उसके साथ छोड़ देना है आपने, और बॉक्स लगा देना है, बॉक्स लगा देना, उनको नेस्टिंग करने देनी है, उनको एग ले करने दें। अब जब वो एग ले कर दें, बैठने लग जाएं, अब आपने करना क्या है, सिंपल सा, जब 5 अंडे 6 अंडे पूरे हो जाए ना, क्लच पूरा हो जाए, वो अंडे उठाने किसी भी फॉस्टर पेयर के नीचे डाल दिए, वो अंडे उठाए फॉस्टर पेयर के नीचे डाले और उस पेयर फॉस्टर पेयर के निकाल के आगे पीछे कर दिए, फेंक दिए, जो भी करना है कर लीजिए आप। अब अंडे हो गए शिफ्ट, अब पेयर जो है वो जाहिर सी बात है फौरन से क्लच तो नहीं देगा ना, क्योंकि फीमेल का एक लाइफ साइकिल, एक क्लच साइकिल होता है फीमेल के, अगर आप अंडे उठा लेते हैं मिसाल के तौर पे, तो उसको साइकिल कंप्लीट करने में, उसको अपने जो जैसे उनको उसको अपना पीरियड कंप्लीट करने में अराउंड 8 दिन का या 12 दिन का या 15 दिन का टाइम लग जाता है, तो वो फौरन से क्रॉस करवाएगी नहीं, तकरीबन 15 दिन का गैप लेगी या 10 दिन का गैप लेगी, कम से कम 15-20 दिन का गैप लेती है। तो आपने क्या करना है, अंडे फॉस्टर करवा दिए, अब अपना मेल पकड़ना है वापस, दूसरी वाली फीमेल जो सेकंड पोर्शन में थी उसमें डाल देना है आपने। अब वो दोनों रेडी हैं, वो दोनों क्लच देंगे आपको फौरी तौर पे, वो जल्द से जल्द क्रॉस करेंगे, नेस्टिंग बनाएंगे और फिर दोबारा अंडे दे देंगे वो। अब जब ये पेयर अंडे दे दे तो इसके अंडे उठा के आपने फॉस्टर कर देने हैं। अब ये हो गया आपका दूसरा क्लच। अब जब आपने फॉस्टर कर दिए तो फिर आपने नीचे वाली के साथ उसको छोड़ देना है, तीसरा क्लच। अच्छा, अब क्या बात यह है कि भाई तीन तीन क्लच आप ले लेंगे, उनको पालने नहीं देंगे, ठीक है? तो उनको पालने दें क्यों भाई? भाई सीधी सी बात है, महंगी म्यूटेशन है, ज्यादा प्रोडक्शन लेनी है, वो उनको हमने अंडों पे थोड़ी बिठाना है कि बैठी रहेंगी बिचारी, हमने तो सीजन का फायदा उठाना है ना, एक तीर से 50,000 निशाने लेने हैं ना हमने, तो ये वो तरीका है। तो ये चार फीमेल के साथ ज्यादा सूटेबल रहता है, क्योंकि लाइफ, क्योंकि जो साइकिल होता है ना, जो जिसको कहते हैं क्लच साइकिल, वो पहली वाली फीमेल का ना बिल्कुल एक्यूरेट चौथी के बाद शुरू हो जाता है, तो वो बड़ा जबरदस्त रहता है। अब आपने फॉस्टरिंग करवा दी, फिर आपने जब चारों फीमेल आपकी अंडे देके हो गई हैं और आपने उनके जो है अंडे फॉस्टर करवा दिए, तो दोबारा से पहली वाली के साथ छोड़ दें जो कि अब रेडी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा करने से इन हमारे जो बर्ड है उनके दिमाग पे असर नहीं पड़ेगा, मतलब क्या उनकी मेंटल हेल्थ खराब नहीं होगी या मेंटली वो डिस्टर्ब नहीं हो जाएंगे कि परिंदे की एक जिंदगी होती है वो तंग हो जाएगा या परेशान हो जाएगा, या कहीं वो ब्रीड करना ही ना छोड़ दें? ऐसा भी हो सकता है ना भाई, फीमेल हो सकता है डर जाए या मेल डर जाए या कोई भी एक डर जाए। अब मैं आपको बताता हूँ भाई, जिन लोगों ने ये तरीका आजमाया है, तकरीबन एक दो लोग थे जिन्होंने मुझे बताया, एक भाई ने 2 फीमेल के साथ लगाया हुआ था तो उनसे भी मैंने पूछा, एक ने 3 के साथ लगाया हुआ था और एक मैंने वीडियो देखी जिसमें एक भाई जो है वो 4 के साथ लगा के प्रैक्टिकली वो बता रहे थे सारी चीज़ें और प्रॉपर वो वीडियो बनी हुई थी उसकी ना, मतलब बड़े सेटिस्फाइड थे वो, तो वो वीडियो मैंने देखी तो फिर मैं समझ गया भाई ये तरीका कारगर है और इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। देखें, लवबर्ड जब हीट पर आया हुआ हो ना, लवबर्ड जब हीट पर आया हुआ वो कुछ नहीं देखता भाई, वो बस बॉन्डिंग बनाता है, क्रॉसिंग मारता है। फीमेलें बेचारी जो हीट पे आई होती है ना, तो वो देखती व्यक्ती नहीं है, वो ब्रूडी हो जाती है। ब्रूडी से मुराद ये कि वो बस लेइंग करना चाह रही होती है, घोंसले में बैठना चाह रही होती है। तो ये तरीका आजमाया हुआ है, कारगर है, ये तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है। और भाई जो लवबर्ड जंगलों में ब्रीड कर रहे होते हैं उसमें और जो कैप्टिविटी में ब्रीड आती है उसमें फ़र्क होना चाहिए ना। जाहिर सी बात है कैप्टिविटी में आपके हाथ में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वाई नॉट, क्यों आप फ़ायदा ना उठाओ? जंगल तो है नहीं हमारे हाथ में, हम इनको अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं और कारोबारी अगर उससे नियत से देखा जाए तो बिल्कुल सही है, इसमें आप ऐसा कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। बाकी जहाँ तक बात रही कि भाई इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती, तो अगर प्रॉब्लम होगी तो वो करेगा ही नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली यही देखा गया कि वो करते रहते हैं भाई, उनको तो टेंशन ही नहीं होती, बड़े आराम से करते हैं और फीमेल को भी रेस्ट मिलता है। एक फीमेल के जब अंडे निकाले जाते हैं तो मेल उसको तंग करने के लिए होता नहीं है, उस पिंजरे से निकाल दिया जाता है, तो ये फीमेल के लिए भी अच्छा होता है, उसकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो बहुत समझिए कि टेंशन फ्री काम है, ये काम भी आप लोग कर सकते हैं और ठीक ठाक पैसा बना सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है, अगर आपको बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ, सीधा आपके घर पर आपको मिलेगी। लेकिन पहले सुन लें हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं ताकि एक साथ मंगवा सकें। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, इसके अलावा हमारे पास प्रोटीन लिक्विड आता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा। इसके अलावा चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। ये वैक्सीनेशन है, सेहतमंद बर्ड को दी जाती है, महीने में 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है ताकि आने वाली बीमारी उसमें लगे ही ना, तो बच्चे भी इससे बचते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सर्वाइव होते हैं। और महंगे बच्चों को बचाने के लिए कई बड़े ब्रीडर्स को डेली बेसिस पे पूरा महीना चला देते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। अब आपका बर्ड अगर बीमार हो जाए तो उसमें डॉक्सीसाइक्लिन नहीं दी जाती, उसमें हार्ड एंटीबायोटिक दी जाती है। अगर नजला, खांसी, मोशन, बुखार या हड्डी में आ गए आपके बर्ड्स, किसी इन्फेक्शन में आ गए, कमजोरी में आ गए, तो उसमें हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। अगर आपके बर्ड्स अच्छी ब्रीड कर रहे हैं, ज्यादा बच्चे दे रहे हैं और फीड करवा करवा के थक जाते हैं, तो उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा, जो कि पानी में मिला के दिया जाता है, जिगर को ठंडा रखता है और ये फीडिंग पावर पेरेंट्स की बढ़ाता है, मतलब बहुत स्टैमिना बढ़ा देगा, इम्यूनिटी बढ़ा देगा, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगा।
और ब्रीडिंग बूस्टर प्लस हैंड फीड, ये ऐसा प्रोडक्ट है जो सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर भी दे सकते हैं, इसमें ड्राई फ्रूट्स मिले हुए होते हैं, और इसको अगर हैंड फीड करवाना चाहें पानी में मिला के तो तमाम पैरेट्स को आप करवा सकते हैं, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शन, उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल, ये तमाम चीजें आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए सिंपल उसका नाम लिखिए और सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर, मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0327231040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक ठोको, सब्सक्राइब, अल्लाह हाफिज़।